Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, आप लोग बॉलीवुड सितारों के बारे में तो बहुत कुछ जानते भी होंगे, लेकिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी बॉलीवुड सितारों से पीछे नहीं है। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बात को नहीं जानते होंगे कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे कुछ सितारे हैं जो जन्म से ही करोड़पति है। जी हाँ, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई अभिनेता हैं जिन्हें बचपन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और फिर बाद में यह साउथ फिल्म इंडस्ट्री के काफी बड़े स्टार बन गए थे। मगर आज हम आपको इस वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के उन अभिनेताओं के बारे में बताने वाले हैं जो जन्म से ही करोड़पति हैं और इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 2007 में की थी। रामचरण का जन्म 27 मार्च 1985 में साउथ के अभिनेता चिरंजीवी के घर में हुआ था। आप सभी लोग सुपरस्टार चिरंजीवी का नाम तो जानते ही होंगे और आप लोगों में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इनकी फिल्में देखना पसंद भी करते होंगे। यह साउथ के सबसे मशहूर अभिनेताओं में शामिल है। अगर हम रामचरण की कुल संपत्ति की बात करें तो खबरों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता रामचरण की कुल संपत्ति 1250 करोड़ रुपए है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर जोसेफ विजय का जन्म 22 जून 1974 में हुआ था। उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक अपनी अलग ही पहचान बनाई है। इनके पिताजी का नाम एस ए चंद्रशेखर है। इनके पिता साल 1981 से ही फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करते आ रहे हैं। अगर हम विजय की संपत्ति की बात करें तो यह कुल 126 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक मशहूर फिल्मों में काम करने वाले अभिनेताओं में जूनियर एनटीआर का नाम आता है। जूनियर एनटीआर का जन्म 20 मई 1983 में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में हुआ था। जूनियर एनटीआर के पिताजी का नाम नंदमूरी हरिकृष्ण है। यह एक पॉलिटिशियन, अभिनेता और प्रोड्यूसर भी थे। अगर हम जूनियर एनटीआर के संपत्ति की बात करें तो यह लगभग 350 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता नागा चैतन्य का जन्म 23 नवंबर 1986 में चेन्नई में हुआ था। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2009 में आई फिल्म जोश से की थी। नागा चैतन्य के पिताजी का नाम नागार्जुन है, जो साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार है। अगर हम नागा चैतन्य के संपत्ति की बात करें तो इनके पास कुल 110 करोड़ रुपए की संपत्ति है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में महेश बाबू सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है। महेश बाबू का जन्म 9 अगस्त 1975 में चेन्नई में हुआ था। महेश बाबू साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर अभिनेताओं में से एक है। ज्यादातर लोग इनकी फिल्में देखना बहुत पसंद करते हैं। अभिनेता महेश बाबू बचपन से ही करोड़पति है। इनके पिता का नाम कृष्णा है, जो पेशे से एक अभिनेता, निर्देशक और पॉलिटिशियन है। अगर हम महेश बाबू की संपत्ति की बात करें तो उनके पास लगभग 289 करोड़ रुपए की संपत्ति है।